नमस्कार, मैं अरुण शर्मा, वैज्ञानिक डी मौसम विज्ञान केंद्र से भोपाल के सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए प्रदेश में मौसम की जानकारी हासिल करते हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के अंदर सबसे अधिकतम तापमान वेस्ट एमपी में 39.2 राजगढ़ में दर्ज किया गया और किसी भी स्टेशन ने हीट वेव या वार्म नाइट को रिकॉर्ड नहीं किया है। और इसके अलावा सबसे हाईएस्ट रेनफॉल वेस्ट एमपी में जो है वो 116.0 एमएम जो रेनफॉल अलीराजपुर के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। हैवी रेनफॉल जो है वो 7 स्टेशन से रिपोर्ट वेस्ट एमपी रीजन के अंदर किया गया है। ईस्ट एमपी में सबसे अधिक तापमान पृथ्वीपुर में 40.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और किसी भी स्टेशन ने हीट वेव या वार्म नाइट को रिपोर्ट नहीं किया है। इसके अलावा हाईएस्ट रेनफॉल जो है वो छिंदवाड़ा के अंदर 62.0 एमएम रेनफॉल हुआ है। पूरे प्रदेश में जो पिछले 24 घंटों में मानसून की गतिविधि रही है वो फेयरली वाइडस्प्रेड रही है। अनेक जिलों में जो है जो वर्षा को रिकॉर्ड किया गया है। तो आइए आज देखते हैं कि मानसून की जो स्थिति जो है पिछले अब 24 घंटों के अंदर जो है वो यथास्थिति बनी हुई है और इसके और आगे बढ़ने में और बाकी पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश को कवर करने में जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल बनी हुई है। आज की सिनोप्टिक सिचुएशन की बात करेंगे तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो 70 डिग्री ईस्ट एंड नॉर्थ और 28 डिग्री ईस्ट पाकिस्तान और नेबर रूट के ऊपर बना हुआ है। साउथ ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 0.9 किलोमीटर के ऊपर बना हुआ है। उसी तरह से राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 0.9 किलोमीटर के ऊपर बना हुआ है और वहाँ से एक ट्रफ मध्य प्रदेश के भागों से गुजरता हुआ बांग्लादेश की ओर अग्रसर है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 3.1 और 5.8 के बीच में जो है वो साउथ ऑफ द गुजरात के ऊपर जो है वो बना हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में काफ़ी वहाँ पे क्लाउडिंग हो रही है इस टाइम और वहाँ से एक ट्रफ मध्य प्रदेश के भाग से गुजरता हुआ झारखंड की ओर अग्रसर है। तो इन सबके होते हुए जो आगे आने वाले दिनों में प्रदेश के जो मौसम की जानकारी रहेगी आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। के मौसम के बारे में बात करेंगे तो वर्षा के अनुपात में थोड़ा सा जो है वो कमी आएगी और कुछ कुछ स्थानों के अंदर जो है वो प्रदेश के जिलों के अंदर जो है वर्षा रिकॉर्ड होने की संभावना है। और साथ ही अगर आप देखेंगे कि थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्टी विंड जो है वो सेंट्रल पार्ट्स के अंदर जो है वो 40-50 किलोमीटर होने की संभावना है। साथ ही जो ईस्ट जो पार्ट है हमारा सिद्धी सिंगरौली उमरिया शहडोल के अंदर 30-40 किलोमीटर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्टी विंड होने की कल संभावना है। डे 3 की बात करेंगे अर्थात 26 तारीख की तो वर्षा के अनुपात में एक बार फिर से बढ़ोतरी होगी और आप देख सकते हैं कि इंदौरी अनूपपुर जैसे जिलों में अधिकांश स्थानों के अंदर जो है वो वर्षा को दर्ज किया जाएगा और मंडला बालाघाट सिद्धि सिंगरौली शहडोल छतरपुर जैसे जिलों के अंदर अनेक स्थानों के अंदर वर्षा को जो है वो दर्ज किया जाएगा। बाकी स्थानों के अंदर दमोह पन्ना कटनी जैसे जिलों के अंदर जो है यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर के अंदर दिखाया गया है कुछ कुछ स्थानों पर वर्षा जो है वो बनी रहेगी। साथ में हैवी रेनफॉल की वार्निंग के अंदर देखा जाए तो अनूपपुर डिंडोरी मंडला बालाघाट और छतरपुर जैसे जिलों में हैवी रेनफॉल होने की उम्मीद है अर्थात वर्षा का जो अनुपात है वो 64.5 एमएम से ऊपर की रहेगा। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्ती विंड की जो प्रवृत्ति है वो जारी रहेगी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साउथ ईस्ट के जो हमारे ज़िले हैं और जो नॉर्थ ईस्ट के जो ज़िले हैं उसके अंदर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्ती विंड 40-50 किलोमीटर और वेस्ट के अंदर जो ज़िले हैं उसके अंदर 30-40 किलोमीटर होने की संभावना डे 3 के अंदर बनी रहेगी। 27 तारीख की बात करेंगे तो वर्षा के अनुपात के अंदर जो है वो गुना अशोकपुर विदिशा रायसेन अर्थात जो नॉर्थ वेस्ट एमपी के पार्ट्स हैं उनके अंदर एक बार फिर से वर्षा की गतिविधि बहुत बढ़ने की उम्मीद है और शिवपुरी छिपपुरी टीकमगढ़ और निवाड़ी जैसे जिलों के अंदर अधिकांश स्थानों पर वर्षा को जो है वो दर्ज किया जाएगा। साथ ही जो हैवी रेनफॉल की जो उम्मीद है वो मुरैना भिंड ग्वालियर शिवपुरी अशोकनगर टीकमगढ़ जैसे जिलों के अंदर हैवी रेनफॉल होने की संभावना 27 तारीख को जो है वो बनी रहेगी। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्टी विंड 40-50 किलोमीटर के साथ भी उस दिन जारी रहने की उम्मीद है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्ती विंड के साथ संभावनाएं 3 से 4 दिन तक आगे आने वाले दिनों में बनी रहेंगी। साथ ही प्रदेश के अनेक जिलों के अंदर हैवी रेनफॉल डे 3 और डे 4 के अंदर भी जो है वो होने की संभावना है। प्रदेश